एक नेता के बोलने में और एक धर्म प्रचारक के बोलने में बहुत अंतर होता है। नेता का उद्देश्य होता है सबको खुश करना, मंच पर जितने बैठे एक एक का नाम लेगा ताकि कोई नाराज ना। धर्म प्रचारक को केवल राज्य को खुश करना होता है और सारे समाज को एक संदेश देना होता है। समाज जो समता के सिद्धांत पर चले, कोई ऊंचा नीचा न हो, घृणा न हो, धार्मिक मंचों की प्रक्रिया राजनीतिक मंचों से भिन्न होती है। लेकिन जब राजनीतिक मंचों की नकल की जाती है धार्मिक मंचों पर तो आम बड़ी सुन, जैसे एक मंच पर चार विद्वान बैठे हैं तो वक्ता खड़ा होगा तो चार प्रणाम आदरणीय ये समय की बर्बादी। आप लोगों में से चारों का किसी का नाम नहीं, सामूहिक संबोधन करना है कि आदरणीय सुंदर साहब जी, प्राणदार सुंदर साहब जी, मंच पर बैठे हुए मान वापस इतना करना, एक एक का नाम लेना। जैसे अमेरिका में स्वामी विवेकानंद बैठे हुए थे तो उन्होंने सबको सामूहिक संबोधन किया, माय डियर अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एक एक का नाम लेते तो 5 मिनट का टाइम होगा। और वक्ता को ध्यान रखना चाहिए कि एक एक मिनट की कीमत होती है। यदि उसको कहा गया कि तुम्हें 2-5 मिनट बोलना है तो नाराजगी प्रकट नहीं करनी चाहिए, उसको अपनी सामर्थ्य दिखानी है कि 5 मिनट में वो 1 घंटे की बात कर सकता है। जैसे केवल विवेकानंद को केवल 5 मिनट का समय था, लेकिन जो पहला वाक्य बोला शून्य पर बोल रहा था तो फरमाइश होती गई और बोलिए और बोलिए। होता क्या है, जब सूरज उगता है तो उसका प्रकाश स्वतः ही चारों तरफ है। सूरज ढोल झमाके बजाते हुए नहीं आता है, देखो मैं रुकने जा रहा हूँ सावधान हो जाओ, उसका प्रकाश होता है। वैसे हर धर्म प्रचारक को अपने अंदर साहसिकता रखनी चाहिए। मंच पर जाने से पहले कोई बात हो रही है, विवाद हो रहा है, तो चेहरे पर उस विवाद का रोष प्रकट होना चाहिए कि आप बहुत गुस्से में हैं या कुछ ऐसी बात हो रही है। कोई भी बात मंच पर विवाद वाले नहीं करनी चाहिए, जैसे कड़वा, क्योंकि जो श्रोता होते हैं वो आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हैं शांति के, और जब आध्यात्मिक वक्ता ही मंच पर किसी पर व्यंग करेगा, किसी पर क्रोध दिखाएगा, कटवचन बोलेगा तो सुनने वाले पर उसका बहुत गंभीर असर पड़ता है। वो सोचता है कि हम तो आए थे इनके पास शांति के लिए, ये खुद ही इतने माया में डूबे हैं, इतना क्रोध कर रहे हैं, इतना झगड़े की बातें कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, तो उनका प्रवचन क्यों सुनना। इसलिए एक धर्म प्रचारक को अपने व्यक्तित्व पर बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि वो समाज के कल्याण के लिए किसी भी स्थिति में अपना आपा नहीं खोना चाहिए। यदि कोई प्रतिद्वंदी विद्वान आपके ऊपर कटु शब्दों का प्रहार कर रहा है, असभ्यता के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो आप शांत रहें, यह शांति ही आपके बड़ों को दिखा रहे। जो श्रोता होते हैं उसमें एक से पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वो आपके एक एक शब्द का मूल्यांकन करते हैं। यदि आप संसार के प्रवाह में बहकर आप भी अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं, जैसे देखिए क्रोध करने क्या है, एक मानवीय कमजोरी, रोना भी कमजोरी है, खिलखिलाकर चिल्लाकर हंसना भी, नाचना कूदना भी एक कमजोरी है। जो पूर्ण होता है वो तंत्र में नहीं फंसे, जैसे छोटे व्यक्ति को 1 रुपया दे दीजिए खुशी से भागता फिर, और सारा धन कहीं किसी कारण से जल जाए लूट जाए तो भी चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया में सुन चल देगा। जो गंभीर व्यक्ति होगा वो करोड़ आए या जाए दोनों अवस्थाओं में संभव होगा। सूर्य उठते समय भी लड़न का होता है, डूबते समय भी लड़न का होता है। इसलिए प्रचार को अपना व्यक्तित्व सबसे अलग हट करके बनाना है, उसका रहन सहन खान पान दिनचर्या सबसे अलग होना चाहिए। सबसे अलग होने का मतलब व्यापी कल्चर को नहीं कर रहा, मतलब चौराहे पर बैठकर यदि वो पानी बता से खाने लगे क्या कहेंगे। एक सामान्य व्यक्ति को अधिकार होता है
होटल में चला जाए या कुछ भी सिनेमा घर में चला जाए, प्रचारक को ध्यान करना पड़ेगा। जैसे जो रामायण जब निकली थी, जब राम का अभिनय जिसने किया था अरुण गोविल ने, तो लोग ट्यूब की पूजा करने लगे थे, सीता की पूजा करने लगे। फिर जब रामायण का सीरियल समाप्त हुआ, एक जगह देखा उनको समर्पित तो लोगों ने कितनी आगे। तो जब आप वाणी की चर्चा करते हैं तो समाज आपको दूसरे रूप में देखता है, क्योंकि आप उस आसन पर बैठे हैं जिस आसन पर बैठकर परम नाम के ज्ञान का प्रसार हो रहा है। इसलिए आपको जो ये उत्तरदायित्व दिया है ये सबसे बड़ा उत्तर। यदि उस समय कोई मिनिस्टर भी आ जाए तो उसको नीचे ही बैठकर के सुनना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर भी आता है तो प्राइम मिनिस्टर धर्म के प्रचार करने वाले पक्का से ऊपर स्थान नहीं रखेगा, वो खुद जो है किनारे बढ़ जाएगा कि नहीं ब्रह्म की चर्चा होगी। तो जब आपको एक राजा से भी बड़ा पद दिया जा रहा है तो आपको अपनी गरिमा का एहसास स्वतंत्र करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप ऐसा कोई व्यवहार करते हैं और उस गरिमा को कलंक लगता है तो मेरे धर्म की मर्यादा नष्ट होगी। ये बात ध्यान देना चाहिए कि धर्म का प्रचार करना समाज का नेतृत्व करना है। उसमें बड़े से बड़े राजा महाराजा भी आएंगे, अरबपति भी आएंगे, विद्वान भी आएंगे। जब आपको राज्य ने मुझे आसन में बिठाया है कि आप मेरी ब्रह्मवाणी सुनाओ, तो आपको अपने धर्म में हमेशा सम्मिलित रहना चाहिए। दूसरी बात होती है हमें बोलना किसी यदि वाणी का चिंतन मन करके हम वाणी का ज्ञान तो प्रकट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रस्तुतिकरण बहुत जरूरी है। प्रस्तुतिकरण का तात्पर्य यह है कि हम उस ज्ञान को किस तरह से समाज के सामने रख रहे हैं। कुछ लोग अच्छे विद्वान तो होते हैं लेकिन वक्ता अच्छे नहीं होते, कुछ लोग वक्ता अच्छे होते हैं अच्छे साधक नहीं होते, कुछ लोग साधक तो अच्छे होते हैं अच्छे लेखक नहीं होते, अच्छे वक्ता नहीं होते। सभी गुण सब में नहीं होते, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे वक्ता भी बने, अच्छे साधक भी बने, अच्छे अध्ययनशील भी बने। सभी गुणों को आत्मसात करने का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। जो हमारे बोलने की कला है वो बनावटी नहीं होनी चाहिए। जब आप ध्यान बैठ चर्चा के लिए बैठे हैं तो आप अपने मन में किसी भी तरह का अहंकार न पाइए कि मेरे से अच्छा कोई होता है। यदि आपको अहम आ गया कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है तो राज्य आपका अहंकार नहीं करेगा। आप किसी दूसरे वक्ता को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कीजिए। आपका उद्देश्य है ब्रह्मवाणी ने जो लिखा है उस ज्ञान को प्रचारित करना कि वाणी क्या कह रही है। यदि आपसे किसी तरह की चूक हो जाती है तो आप अपने भूल स्वतः मान लीजिए कि हाँ ये भूल मेरे से हो रही है, ब्रह्मवाणी का ये कथन है और यही सबको मानना है। ऐसा मत कहिए कि जो मैंने कर दिया वो हम कर सकते हैं। एक बार पन्ना जी के विद्वान थे, वो इस दुनिया से चले गए इस समय। चौपाई गलत बोल रहे तो सुंदर साहब ने कहा कि महाराज जी आप गलत बोल रहे हैं। तो नाराज हुए कहे कि जब पानी उतर रही थी तो तुम थे वहाँ, मैं मीराज के ठाकुर के खानदान का हूँ, जो मैं कह रहा हूँ ये सच है। ये बात समाज थोड़ा स्वीकार करेगा कि जो वो कह रहे हैं वही सच है। होता क्या है, देखिए मैंने एक चित्र देखा था 13 वर्ष का लड़का था, इतना बढ़िया शास्त्रीय संगीत गाता था कि उस समय के सबसे बड़े जो कलाकार थे क्या नाम है उन्होंने जान दे पा। तो आप समझिए पपी लड़े की क्या 13 वर्ष के बच्चे से उनको ये लगा कि ये तो जब थोड़ा बड़ा होगा तो उसके सामने मैं क्या ठहर नहीं पाऊंगा। ईर्ष्या द्वेष की भावना बहुत खाते होते हैं। प्राय चार विद्वान बैठे हों चारों में कनिष्ठा, चार चोर मिल जाते हैं, चार विद्वान मिल जाते हैं,
विचार विद्वानों को लगता है कि समाज में मुझे ज्यादा पूछे इसको कम पूछे और चार एक दूसरे की पीठ पीछे निंदा करके ये वो घातक प्रवृत्ति। आपको निंदा से और प्रशंसा से पर कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए। 10 आदमी निंदा कर रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, 10 आदमी प्रशंसा कर रहे हैं तो आपको कृपा में तो ये कि मैं बहुत बड़ा हूँ, आप अच्छे हैं या बुरे हैं ये आपका विषय नहीं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि राज्य ने आपको अपने चरणों में रखा, यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि। संसार पूरा करता है उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, अपनी अंतरात्मा से जरूर पूछिए कि मैं कोई बुरा कार्य तो नहीं कर रहा। जब आप बुरा कार्य नहीं कर रहे हैं, बुरा नहीं सोच रहे हैं, तो सारा संसार आपको बुरा कहते हैं, कभी घबरा नहीं। और यदि सब आदमी आपको अच्छा करे लेकिन अंतरात्मा आपकी पुकार रहे कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तो अंतरात्मा की बात सुनिए, 100 लोगों की प्रशंसा पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि संसार आपकी प्रशंसा करके आपको कमजोर बना देगा। जब आप कमजोर बन जाएंगे तो एक दिन आपको संसार में हारना पड़ेगा। जो आज आप आपकी प्रशंसा कर रहे हैं आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि दुनिया उगते सूरज को प्रणाम करती है, डूबते सूरज को कोई भी प्रणाम नहीं करता। आपका संबंध केवल राज्य से है, राज्य की वाणी को फैलाना आपका उत्तरदायित्व है, और इस उत्तरदायित्व को पूरा करने में कितने भी कष्ट मिले आपको सहन करने के लिए मुस्कुराते हुए तैयार रहना है कि जैसे सीता राम की खुशी के लिए अपनी खुशी के लिए बन जाती है। सीता को ये चिंता नहीं कि मेरे पैरों में कांटे चुभेंगे, मैं वहाँ क्या खाऊंगी, क्या कपड़े पहनूंगी, कैसे गर्मी में रहूंगी। आज की कोई शायद ही कोई नारी हो भारत में जो इतने कष्ट झेलने के लिए तैयार हो। राम नहीं चाहते थे, जिद करके जा रहे। आजकल की जो घरों में पत्नियाँ किस दिन लड़ाई करती हैं कि पति मेरी सुख सुविधा में ही कमी करता है, लेकिन एक वही योद्धा आप ही यदि परमधाम की परमात्मा है तो राज्य के लिए हर कष्ट झेलने को मुस्कुराती होती है। जो कष्ट आप झेलेंगे उसके बदले कई गुना आनंद मिलेगा, क्योंकि राज्य ने आपका हाथ पकड़ रखा। ब्रह्मवाणी का प्रचार एक महान कार्य है, पवित्र कार्य है, क्योंकि आप इसे अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की महिमा को फैलाने जा रहे हैं, इससे बड़ा पवित्र कार्य नहीं हो। लेकिन धन प्रचार के बदले आप अपनी महिमा यदि फैलाने लगते हैं तो दाग लग जाता है, क्योंकि राज्य की महिमा में से आप चोरी करना शुरू कर देंगे। और संसार जब आपकी जयकार करता है कि आपने बहुत अच्छी चर्चा की तो आप खुश हो जाते हैं। ये खुश होने का प्रश्न नहीं है, आप खुश होइए कि राज्य की सेवा को मैं बढ़िया से प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुंदर साथ को आनंद मिल रहा है। किंतु इस बात पर खुशी मत कीजिए कि होइए कि मेरे से अच्छा कोई वक्ता नहीं, मेरे से अच्छा कोई यह नहीं है, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, ये अहंकार की बात है। और इससे क्या होगा, राज्य की जो मेहर बरस रही है वो कम होती जाए। आप किसी वक्ता में कोई गलती होती है तो उसका अपमान मत कीजिए, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम ऐसे हो ऐसे हो। आप उसको समझाइए, सही मार्गदर्शन दीजिए, तुम्हें क्या कमी है, और वो उसको अकेले ले कीजिए। तो समझ गए होंगे आप कि आप जब ब्रह्मवाणी को लेकर के चलते हैं तो एक महान उद्देश्य को चलते हैं। संसार आपको पत्थर मारेगा, डंडे मारेगा, अपमान करेगा, आप मुस्कुराते हुए चले जाते, ये आपकी परीक्षा कर रही है। तो प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, जैसे संगीत में आपने देखा है ना उतार चढ़ाव होता है, जैसे क्या होती जाती है कि बेताल का गाना सिर दर्द कर गला कितना भी मधुर हो लेकिन वो बेताल है, बेसुरा है, सुनने में अच्छा नहीं होता। वैसे आपके बोलने का जो प्रवाह है, शब्दों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, इस पर ध्यान देना है। यदि ज्यादा स्पीड में बोलते हैं तो श्रोता के कान तक नहीं पहुंच पाते, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं तो जी उठ जाता है, क्योंकि मस्तिष्क लगा हुआ है। ये आपने टीवी पर धीमी गति का समाचार बुलेटिन सुना है, आपको कहा जाए कि धीमी गति का समाचार सुनिए तो आप कहेंगे कि मैं नहीं सुनूंगा, क्यों, क्योंकि इसमें सीमा से अधिक धीमा बोल, कोई बहुत तेज बोल देता है, स्पीड बढ़ा देता है, तो वो पता ही नहीं चलता कि कौन सा शब्द बोला है। तो परिणाम क्या होता है, श्रोता का मन उससे हट जाता है,
जैसे मैं एक बात बोल रहा हूँ, सामान्य सी बात है, दिल्ली भारत की राजधानी है। अब इस भी में कैसे बोला जाएगा, दिल्ली भारत की राजधानी है, बताइए क्या सामान्य है। मैं दिल्ली भारत की राजधानी है, कितनी देर आप सुनेंगे, आप कहेंगे कि आपको बाहर चले गए, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कई वक्ता होते हैं जिन जो वाक्य के अंतिम शब्द को खा जाते हैं, पता नहीं चलता कि कहे क्या। तो ये छोटी छोटी बातें, आप बहुत बड़े प्रकार विद्वान हैं लेकिन बोलने का ढंग ठीक नहीं रहेगा तो श्रोता को बहुत गलत असर होगा। वो सोचता है कि मुझे इनकी चर्चा नहीं सुननी है, जब जब जबरदस्ती बैठाया जाता है फिर भी श्रोता सुनना नहीं चाहिए। आप किसी के मन में कड़वाहट रख करके यदि आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं सबको से प्रकट हो जाएगा। आपके सामने विपरीत विचारधारा वाला कोई विद्वान बैठा है, वो नादानी में आपका प्रहार पर प्रहार कर रहा है, आप अपना संतुलन बनाए रखें और शालीनता से अपनी बात को कहिए, यही विद्वान की गरिमा होती है। विद्वान का लक्षण क्या है, विद्या यथार्थ। विद्वान जो होता है वो विनम्र होता है, अपनी विद्वता का अहंकार नहीं दिखता। तो जिस घड़े में थोड़ा जल भरा होता है वो छलकता है और जिस घड़े में पूरा पानी भरा होता है उसमें कोई बात नहीं। विद्वता की पहचान क्या होती है, उसमें गंभीरता हो, उसमें विनम्रता हो, उसमें समर्पण की भावना। और जब आप प्रस्तुतिकरण करते हो तो प्रस्तुतिकरण ऐसा होना चाहिए कि श्रोता तक एक एक शब्द फूल की पंखुड़ियों की तरह उसके हृदय में पहुंच गए। एक वो वक्ता थे, मैं नाम क्या लूं, ऐसी चीजों को नाम लेना अच्छा नहीं। मंच पर दोनों बोल रहे थे, किसी में विवाद हो गया, मंच पर दोनों ने एक दूसरे के कारण पकड़ लिए और तो छोड़िए एक और घटना है, मैं नाम नहीं लूंगा। वो एक महाराज तो इसमें बहुत बड़ी गाड़ी पर बैठे, गुजरात की घटना है, कई साल पुरानी, आज से 25 साल लगभग पुरानी है। वो दोनों महाराज आपस में गर्मा गर्मी करने लगे, जिन्होंने मुझसे घटना सुनाई उन्होंने दोनों को शांत किया, नहीं तो दोनों में उस दिन में मारपीट हो जाती। तो दोनों को प्रेरित हुआ कि आपने अच्छा किया कि हमें बता दिया, नहीं तो मारपीट होती कितनी बदनामी होती समाज। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि समाज आपकी चौपाइयाँ केवल नहीं सुनना चाहता, आपके व्यक्तित्व को भी देखना चाहता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। यदि आप किसी को नीचा दिखाने के लिए प्रवचन कर रहे हैं तो वो प्रवचन सबके लिए ग्रह नहीं होगा। आप अपनी वाणी में कहीं कटता कलेश मत आने दीजिए, आगे पीछे किससे विवाद हो भी जाता है तो उसको मंच पर उद्यम न कीजिए, क्योंकि जो श्रोतागण बैठा है आध्यात्मिक शांति के लिए बैठा है, आपकी जनित कटी बातें सुनने के लिए नहीं बैठा है। यदि आप अपने मन को स्वयं शांत नहीं कर सकते तो दूसरों को शांति क्या दें। ये मुख्य बातें ध्यान में रखनी होती है, बोलने का जो प्रवाह है उसमें संतुलन बनाए रखना होता है। जिसे आप देखते हैं ना, पेड़ पर चढ़ते हैं, जैसे पहाड़ी कैसे होती है, देखिए पहाड़ी ऐसे होती है, स्वर का प्रवाह ऐसे चढ़ेगा फिर धीरे धीरे उतरे। तो एक एक दो दो शब्दों को जोड़ जोड़ कर हम जो बोल रहे हैं एक एक शब्दों को उस पर ध्यान देना होता है। दूसरी बात, यदि कोई वक्ता आपकी विरोधी विचारधारा कहा जाता है तो उसको देखते ही आप अपना आपा न खोइए, उस पर कटाक्ष कितनी मत छोड़ना शुरू कर दीजिए। आपका कर्तव्य है उसको सहायता से स्वागत कीजिए, बैठाइए, उसको जो बोलना है बोलने दीजिए। जो विवाद की बात होती है तो आप शालीनता से कह सकते हैं कि इस विषय पर हम और आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं कि वो बोलना शुरू किया तो आप ही उसकी देखा देखी आप ही कटाक्ष सुनना शुरू कर दिए, परिणाम क्या होगा। ये स्थिति बहुत बड़े झगड़े का अनुदान कर सकती है। किसी भी विद्वान को चाहिए कि दूसरे विद्वान का अपमान न करे सार्वजनिक रूप से,
ना उसके बारे में छीटा कसी करें, अन्यथा क्या होगा, हमारी व्यक्तित्व कला पर बहुत बड़ा दाग लग जाता है, समाज ये कहेगा कि इतने बड़े दुकान है तो ऐसा देंगे। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि आप एक महान कार्य के लिए चले हैं, उस महान कार्य में ये मानवीय कमजोरियों को कभी भी स्थान नहीं देना चाहिए। आप जो ब्रह्मवाणी फैला रहे हैं, ये ब्रह्मवाणी राज्य का दर्शन कराने वाले, और जब राज्य का दर्शन कराने वाले, सबको परमहंस बनाने वाले ब्रह्मवाणी का प्रचार करने बैठे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपके ऊपर कितना बड़ा उत्तरदायित्व है। अभी एक चौपाई लेते हैं, उसको बोले आज ही भाई मुझे क्लास देनी है, मैं जल्दी जल्दी सारा कुछ करूँगा, इसलिए कहते कि ये बहुत जरूरी है। आप कोई पसंद की चौपाई चुनेंगे या मैं बोलूँ? बोलो। हक सिर पर बिन करे देखत नाहत तरह, जो स्वाद लगे लोगों का तो मुख से नीचे ना दिखे। चलिए इसी के साथ चर्चा करते हैं। हक सिर पर इन बिन करे, देखिए आपकी चर्चा में पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, चर्चा करने से पहले आप हृदय में राज्य का ध्यान कर लीजिए, ऊपर स्वरूप का ध्यान कर लीजिए। राज्य का ध्यान करने के पश्चात या पहले यदि आपका संबंध किसी परमान सदगुरु से, रामोदर दाजी महाराज से, जिस पर आपकी श्रद्धा हो, दयाराम बाबा सरकार से, जिस पर आपको मंगलदास, उनका स्मरण एक बार कर लीजिए, क्योंकि ये परंपरा है, हम दूसरे परमात्माओं का सम्मान करेंगे तो हमारा सम्मान करेंगे, हम सबको नकार देंगे तो क्या होगा, संसार में आप जो कार्य करें हमारा देश तो बढ़ता जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कोई संदेश नहीं देंगे। आने वाली पीढ़ी यदि अपने बड़ों का सम्मान करती है, हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारा सम्मान करेगी, अन्यथा हम भी अपने बारे में। उसके पश्चात पहले चरण को लीजिए, पहले चरण में जितने शब्द आए उन शब्दों का शब्दार्थ समझना होगा, भावार्थ समझना होगा, पहले चरण का संबंध दूसरे चरण से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे से चौथे से संबंध क्या है, और इस चौपाई से पूर्व की चौपाई का प्रसंग क्या है, उस प्रसंग को देखकर इसकी व्याख्या। इस चौपाई से पहले के चौपाई का यदि भाव नहीं मालूम हो तो एक खिलौत का प्रसंग है। हर सिर पर इन्वित करें, अब इसकी व्याख्या करते हैं, इसमें हमें क्या करना है, महामति जी की आत्मा कह रही है, मेरी आत्मा हर सिर पर इन्वित करें। सिर पर खड़े होने का तात्पर्य क्या है, ये मामला है, सिर पर खड़े होने का तात्पर्य कि हर पल सान्निध्यता में रहना, पास रहना। जैसे कोई व्यक्ति किसी अफसर के पास रहता है, वो दूर खड़ा रहेगा, तो भी अफसर क्या कहेगा, तू मेरे सिर पर 24 घंटा क्यों खड़ा रह जा, मैं तेरा काम करूँगा। अब यहाँ प्रश्न क्या है, सिर पर खड़े का तात्पर्य कि तू पास ही पास रहना, राज्य कहाँ है, हमारे प्राण की नजर से। अब इस चरण का संबंध आप जोड़ सकते हैं हर नजीक से, हर से आप जब व्याख्या करना हो, जैसे आज से 4 साल पहले शायद वाणी प्रशिक्षण शुरू हुआ था, तो वर्णनपुरी नेहरू जी आके तुमसे दिया बार अर्ज किया, अपने दिल को बाह्य बैठाओ कर स्वीकार। इस चौपाई पर 1.5 घंटे एक चरण पर चर्चा हुई, और बर्नम करने रोजी इसी चरण पर शायद आधे घंटे की चर्चा हुई। हमारे पास वो सामर्थ्य विकसित करनी होगी कि हम एक चौपाई पर 1 घंटा भी बोल सकें, और 5 चौपाइयों को 2 मिनट में भी कर दें, 10 चौपाई को 5 मिनट, या 10 चौपाइयों के सार को 2 मिनट में कहने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप कहीं ऐसे मंच पर चले गए
जिसमें जानबूझकर आपको 2 मिनट का समय दिया गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको झगड़ा मत बचाइए। पहले तो आपको बंधु सदगुरु वाली परंपरा छोड़नी है। आपको 5 मिनट का टाइम दिया गया है, पहले तो आप जयकारा बुलाने में इनकी जय इनकी जय। अरे भाई, एक बार मंच पर जयकारा बुला दिया गया और उसके बाद जो आता है हर कोई जय जय, समझ में नहीं आता। और नीचे वालों ने थोड़ा सा धीमा बोली तो फिर वो कहते हैं और जोर से बोलो, फिर कहते हैं हाथ उठा कर बोलो। ये कोई नाटक थोड़ा चल रहा है, सब शांत होकर के बैठे बैठे रहने दीजिए। लेकिन गांव में ऐसे ही चलता है, गांव का जो माहौल है, जब तक लोग शोर शराबा न करें, जय जय न बोले, न मंच मंत्री का पेट भरता है, न भक्ता का पेट भरता है। लेकिन आपको यदि किसी यूनिवर्सिटी में बोलने के लिए कह दिया जाए, वहाँ जयकारा लगवाएंगे तो सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऐसे होंगे, सारे लड़के ऐसे। इसलिए माहौल को देखना चाहिए, गांव के माहौल में आप जय जय बोलवा दीजिए। बड़े मंच पर ये सब ज़्यादा वक्ता को इस पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है, क्योंकि ये कार्य मंच मंत्री का, मंच मंत्री का कार्य होता है। जयकारे बुलाएगा, सबको शांत होकर बैठने के लिए कहेगा। वक्ता का काम होता है कि मूल स्वरूप पर अपने को केंद्रित करके समाज का मार्गदर्शन करना। तो हर सिर पर इन विध खड़े देखत ना हो कर। अब पहले चरण में किस शब्दों की व्याख्या कीजिए, हर सिर पर इन विध खड़े। तो जो मैं बता रहा था 4 साल पहले लगभग हो गए होंगे या 3 साल बीत गए होंगे, जो प्रशिक्षण शिविर लगा था उसमें 5 चौपाइयाँ पहले या पहचानो, उसको 5 मिनट में भी करवाया गया था। 5 चौपाइयों के सार को 2 मिनट में कर दिया। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है भविष्य में, जहाँ सारे विरोधी आपके लोग हों और अचानक कहते कि 2 मिनट आपको टाइम दिया जाता है, आप झगड़ा करेंगे तो आपकी मतलब आप मुस्कुराते हुए 2 मिनट से ज़्यादा 2.5 मिनट में बोलिए। जो आपका समय है उसे 1 मिनट भी अधिक होने का प्रयास नहीं करना चाहिए, समय की प्रतिबद्धता है। श्रोता देखता है कि इस वक्ता की गुणवत्ता क्या है। कुछ लोग समय ज़्यादा ले लेते हैं, समय बर्बाद करते रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, ज़्यादा बातें कहेंगे तो हमारा ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये छोटे स्तर के वक्ताओं की पहचान है। जो उच्च स्तर का वक्ता होगा, जो समय दिया गया उसी में बोलेगा, पॉइंट टू पॉइंट बोलेगा। देखिए, विषयांतर नहीं होना चाहिए। आपको आम के वृक्ष पर बोलने को कहा गया तो इग्नि की व्याख्या करना आपके लिए गलत है। आम की उत्पत्ति कैसे हुई, आम की गुणवत्ता क्या है, क्या करना है, क्या लाभ है, इस पर बोलना है। जो शब्द आए हक सिर पर इन विध खड़े, तो केवल इसकी व्याख्या करनी है। प्राणेश्वर अक्षर अतीत कैसा है, कितना नजदीक है, आप सारा उदाहरण दे सकते हैं कि वो दूर से दूर है, निकट से निकट है। ये तमाम भी बोल सकते हैं, दूरा सुदूरी आज तुम्हारा मेरा दिन है, काय को विश्राम। आप सारे तर्क इसमें रख सकते हैं कि किस तरह से हम कहने के लिए परम धाम से आए हैं, लेकिन हम पल पल राज्य के नजदीक और राज्य हमारे प्राण के ललित से भी निकट है, इन गुणिकारों के दिल को अर्ज कर बैठे हैं। आप इतना भी तर्क दे सकते हैं कि देवचंद जी राज्य की खोज में चलते हैं, जो कि उनके धाम हृदय में राज्य बैठे होते हैं, एक माया का आवरण क्या होता है। जब मीराज हमसे में जाते हैं तभी राज्य उनके अंदर बैठे होते हैं, लेकिन मीराज की आत्मा को पता नहीं होता। हर सिर पर ये नबीत खड़े का दर्पण, आप इसकी व्याख्या ये भी कर सकते हैं कि माया में होने के कारण हमारी आँखें ये पहचान नहीं पा रही कि राज्य हमारे हर पर साथ है। हम सोचते हैं कि वो परम धाम में बैठे हैं और हमारी आवाज उन तक पहुँच नहीं पाएगी। तो इन सारे प्रश्नों का समाधान आप हक सिर पर उन्मित करें, इसमें कर सकते। देखत ना हक तरफ, देखत ना हक तरफ का तात्पर्य क्या है, अब इसकी व्याख्या आपको करनी है कि मेरी आत्मा जो तेरे साथ पवित्र है, तुम्हारी प्राण की नली से भी निकट है, तुम्हें पहचान देने के लिए राज से क्या तमाम करके बांधना चुना है, लेकिन तू तो उनकी तरफ नहीं देख रही। देखने का तात्पर्य क्या है, पहचानना, समझना और उनसे प्रेम करना। जैसे देखने का तात्पर्य इन आंखों से केवल देखना नहीं, आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाते हैं
और मैं आपकी तरफ देखता भी नहीं हूँ। आप पानी दे करके चले जाते हैं तो भी मैं नहीं देखता, तो क्या होगा? एक अपमान तो होगा। जो राजीव पलपल हमारे साथ हैं, तीन मुख कहाँ हो से जो हंसो बैठे मुख से, तो हम वहाँ कार्य करें। इस चौपाई की व्याख्या करते समय हम इस सारे प्रसंग को जोड़ सकते हैं कि देखा तो ना हक तरफ मेरी आत्मा, तो माया की निद्रा में होने के कारण अपने प्राण से रक्षा दी थी, जरा भी पहचान नहीं कर पाई। तेरे हृदय में न विश्वास है, न समर्पण है, न सत्ता है, तो उस वाणी के शब्दों को पढ़ती है लेकिन उनकी उनकी तरफ से मुंह फेरे बैठी है। तू जानती है शब्दों के माध्यम से कि हक नजीक से अलग से, फिर भी तुझे संसार इतना अच्छा लग रहा है, तो राज्य से प्रेम के लिए कर ले। जानने की आप व्याख्या कर सकते हैं कि तुम माया के नींद में सो रही हो, इसलिए राज्य पर तक तेरे साथ है, तो भी तो राज्य की तरफ देखने का प्रयास। इस एक एक चरण के भाव को शाब्दिक अर्थों में, भावात्मक अर्थों में और अध्यात्मिक अर्थों में आपको बढ़ाना होगा, अपने लिए और सबके लिए। और ये कब होगा? जब आप चितनी में बैठेंगे, आपका हृदय निर्मल होगा और महान कार्य के लिए जब आप जाएंगे, कि आपकी चर्चा करने का उद्देश्य संसार को राज्य के चरणों से जोड़ना है, प्रतिष्ठा कमाना नहीं, धन कमाना नहीं, किसी को नीचा दिखाना नहीं, तो राज्य आपको सारी शक्ति देते जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हनुमान जी लंका चले गए किसके बल पर? राम के बल पर। किसी को विश्वास नहीं था। अंदर ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन आने में संशय है। क्यों? क्योंकि अंदर में भक्ति तो थी लेकिन हनुमान के बराबर समर्पण। एक बार गरुड़ जी के मन में भावना आ गई कि विष्णु भगवान को तो मैं उठा करके ले चलता हूँ। विष्णु भगवान समझ गए, उन्होंने एक बायां हाथ गरुड़ की पीठ पर रख दिया। गरुड़ को ऐसा लगा कि सारे ब्रह्मांड का बोझ उसके ऊपर आ रहा है, चीखने लगे। तब उनको पता चला कि जो मैं विष्णु भगवान को उठाकर जगह जगह ले जाता हूँ, उनकी शक्ति है जिनसे मैं उठाता हूँ, मेरी अपनी शक्ति नहीं। मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से ना तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है आपके पास। आपका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं, आपके पास जो भी है राज्य का है। तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है आपके पास। आपका मूल स्वरूप का है मूल्य, आपको और राज्य को बराबरी का दर्जा मिला। लेकिन परंतु यहाँ आपको जो भी शोभा मिल रही है, जो भी आपके पास कला है, किसकी कृपा से? राज्य की कृपा से। इसलिए किसी भी तरह का अहंकार नहीं चाहिए। यदि आप कोई प्रवचन करते हैं, 100 लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, तो आप अपने मुख से कभी मत कहिए देखिए इतने लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, कि ऐसी चर्चा कभी नहीं सुनी थी, ऐसा गायन कभी नहीं सुना। आप ये कहिए कि राज्य की कृपा के लिए मेरे पास अपना कुछ नहीं। आप अपना सब कुछ राज्य को सौंप दें तो क्या होगा? दिन पर दिन आपकी ज्ञान की वृद्धि होती है। आपका ज्ञान किसके लिए होना चाहिए? ज्ञान के लिए, विवाद के लिए नहीं। लेकिन विवाद बनाया जाता है, होता नहीं। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि जो झूठी मान्यता है उसको सब स्वीकार कर लीजिए। सत्य को हमेशा आगे करना चाहिए, असत्य को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अत्यव मरणमस्त युगान्त नया कथा प्रचलन, चाहे कुछ भी हो जाए न्याय के मार्ग से हटना नहीं चाहिए। निंदंत निधि निपुरा यदि वास्तव लक्ष्मी समान सत्य चित्त। नित्य में निपुण व्यक्ति निंदा करे या स्तुति करे, लक्ष्मी आए या चली जाए, अर्थात हम कंगाल क्यों न हो जाए, लेकिन कभी समझौता नहीं करना चाहिए झूठ से। हाँ, लेकिन आप किसी को अपमानित न कीजिए। आपका ज्ञान दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को अहम करने के लिए। जैसे अभी मैंने कहा, हक सिर पर विधि न करे, देखत ना हक तरफ, जो स्वाद लगे मधुर का, तो मुख से मुख से मुख। तीसरा चिन्ह, जो स्वाद लगे मधुर का। राज्य का स्वाद क्या है? जो स्वाद लगे मेरे भूख का, मेरी आत्मा
तुझे राज्य का स्वाद यदि लग जाए, राज्य में क्या है? अनंत सौंदर्य, अनंत प्रेम, अनंत ज्ञान, अनंत वैभव, अनंत सौंदर्य। हमारी आत्मा उस रस की धारा के कुछ हितों का भी अनुसार करे। ये बैठे बैठे हम राज्य की शोभा को देखा करें, उनके प्रेम की अनुभूति करें, उनके आनंद को पाने लगे। तो मुख से नीच से ना देखा रहे। स्त्री पुलिंग का ध्यान करना है। हमारे एक महाराज जी हैं, बड़ी बड़ी गादी पर बैठे हुए, वो हर 5 मिनट पर स्त्री पुलिंग की तकलीफ बोलते हैं। राम जाती है, सीता जाता है, उनको पता ही नहीं, और कलह को रखना चाहिए। तो इसका बहुत गलत असर पड़ता है। हमें स्त्री पुलिंग देखना है, व्याकरण की शुद्धता देखना है, वाक्यों में शब्द विन्यास जो है, एक शब्द के बाद दूसरा शब्द कितनी दूरी पर, जिसमें मैंने अभी बोला है, शब्दों के बीच में एक सामंजस्य हो। जैसे अभी मैंने बोल कर दिखाया था थोड़ी देर पहले, जो स्वाद लगे मैं बोल कर। तो अब जैसे आप देख रहे हैं पर्यावरण वाली पिक्चर में अशोक जी ने कैसे बोला है, एक शब्द के बाद दूसरा शब्द कैसे उच्चारित होता है। जैसे कह रहे हैं श्री राज्य, कैसे बोलना चाहिए, श्री राज्य, एक ऐसे बोलते श्री राज्य, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। हम कहते श्री राज्य, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। जो वस्तु उच्चारण क्या है, श्री राज्य, सभी चारों अक्षर सुख सुख हमारे काम में प्रवेश करते और वो हृदय में प्रारंभ किया। हमारे बोलने का ढंग खराब होगा तो श्रोता उठ जाएगा, क्योंकि अभी चर्चा सुन नहीं सकेंगे। किंतु आंकड़े तुम बोलो, जो स्वाद लगे मैं वो का, इसको कैसे अर्थ करोगे? धर्म नहीं है, ठीक है तो बोलो उसका अर्थ बोलो। जो स्वाद लगे महबूब का, घबराओ नहीं, बोलो। जो श्री राज्य का अनंत प्रेम ज्ञान सौंदर्य का जो स्वाद महबूब को लग रहा है। देखो तुमने भी दो बार जो शब्द बोल दिया, मेरी आत्मा यदि तुझे अपने प्राणेश्वर के अनंत प्रेम, अनंत ज्ञान, अनंत ऐश्वर्य, अनंत एकत्व की जरा भी सुध मिल जाए। देखिए ये एक एक शब्द, ना स्पीड पड़ी ना बहुत धीमापन हुआ, सबको हृदय में चुप जाए। भाषा की सुंदरता पर ध्यान देना है, हमें अपने हृदय को पवित्र भाव से व्यक्त करना है। किसी में कटाक्ष नहीं बोला, किसी में कुछ नहीं। तो मुख से लिख से ना दम, तो मुख से निकले ना एक हरफ, इस चौथे चरण की व्याख्या आपको करनी है। तो मुख से निकले ना एक हरफ, देखिए माइक को ये जो है ना, ये यहाँ पर कभी नहीं मारना चाहिए। इस पर मारेंगे तो इसके जो फट जाएंगे अंदर का जो बाल होता है, आप इसको यहाँ कर देंगे तो पता चल जाएगा। और मंच पर बैठ कर हेलो हेलो बार बार नहीं बोलना चाहिए। हेलो करते क्या होता है, सब लोग जानते हैं कि हेलो कहना है, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है कि हेलो कहा जाता है। हेलो का अर्थ क्या होता है ये कोई नहीं जानता, इस पर कोई नहीं जानता। माइक ऐसे है तो माइक वाले भी करके माइक टेस्टिंग, अरे भाई ये करने की क्या जरूरत है, कुछ भी कर सकते हो। तो ये अंध परंपरा चल गई, फोन आता है तो सबको कहना है कि हेलो हेलो, आपको प्रणाम जी बोलना है, हेलो हेलो सब ज़्यादा नहीं करना है। जब आप इसको बोलते हैं तो ये पास होना चाहिए। और माइक की अवस्था क्या है, कुछ माइक ऐसे होते हैं जिसमें दूर से बोलना पड़ता है, नज़दीक से बोलेंगे तो आवाज़ खराब होगी। गाँव में कहीं कहीं ऐसे माइक खराब होते हैं, जैसे कुछ लोगों की आवाज़ बहुत तेज होती है, वो एक दूर से भी बोलेंगे तो माइक खींच लेता है। मेरी तो कमजोरी है, मुझे तो पास माउ करके बोलना पड़ता है, फिर भी आवाज़ कम रह जाती है।
तो इसका ध्यान रखिए कि यदि माइक यहाँ है, हम इधर से बोल रहे हैं तो आवाज कम हो जाती है, आप इसको ध्यान रखें। ऐसा इतना चार, कम से कम चार अंगुल दूरी करके बोलिए। हे मेरी आत्मा, यदि राज्य के सौंदर्य की जो सुगंध मिल जाए तो मुख से एक शब्द भी नहीं, मुख से निकले ना एक खरब। अब इसकी व्याख्या करनी है, क्यों इस तरह की व्याख्या कीजिए, कौन करेगा आप? हाँ आप बोलो, मुख से निकले ना एक खरब। और कौन इसकी वजह करेगा? हाँ दिखते तो बोलो, मुख से निकले ना एक खरब, जो स्वाद लगे महबूब का तो मुख से निकले ना एक खरब, एक हरक भी निकल नहीं पाए। यदि उसकी कमला आत्मा के साथ हो जाती है, उसका अनुभव हो जाता है, अनुभूति हो जाती है, तो एक बार तो देवी जैसे पाएगी उस स्वाद में इतना मगन हो जाएगी कि उसके मुख से शब्द नहीं निकलेगा, उसी में देवी बनती है। हाँ देखिए, दीप्ति के बोलने का तरीका जो है शब्द विन्यास इसको कहते हैं, बहुत अच्छा है, न स्पीड ज्यादा है न कम है, एक शब्द के बाद दूसरा शब्द कितनी देरी में आएगा ये चीज सबको सीखने वाली चीज है। हाँ आप लोगों में से कोई बोलेगा मुख से निकले ना एक खरब? हाँ जी आप बोले, कौन है? यदि इस पांच भौतिक शरीर में जो आत्मा की देख रही है उसको परमात्मा जो अनंत आनंद का भंडार है उसका एक लेश मात्र भी अनुभूति अगर यदि हो जाए तो कुछ बोलने की अवस्था नहीं रहेगी, जिसे शास्त्रों में कहा गया मुंह का स्वादन कर, मुंह के एक गुड़ जैसा, और वाणी में कहा गया रस मगन भई को क्या, वो स्थिति होती है कि वो अनंत आनंद का जो अकूत भंडार परम परमात्मा के हृदय में है उसकी एक बूंद भी अगर इस जीव को मिल जाए तो एक शब्द भी मुंह से नहीं निकल। आपने अच्छा बोला, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यदि नहीं होता, यदि उच्चारण में जो बड़ी होती है उसको देर से होता है, छोटी जब बोली जाती है तो उसको जल्दी से बोलना जैसे कि और की, यदि यदि नहीं, कुछ लोग मेरे से भी पहले गलती हो जाया करते थे क्योंकि वाणी के साहित्य में जुड़ने के बाद यह का प्रयोग जप में होता है, जैसे यमुना नहीं होता, वाणी हर जगह जमुना होता है, यद्यप नहीं होता है, जदप होता है, तो मुझे भी पहले खराब आदत पड़ गई थी, यदि को मैं जदि बोल दिया करता था, बाद में मैंने चेक किया कि ये कोई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो रही है। तो हमें शब्द के उच्चारण पर बहुत ध्यान देना चाहिए, जैसे गुजरात में प्रचलन है पृथ्वी नहीं कहना, पृथ्वी पंजाब में गलती होती है कि प्रकृष्ट नहीं कहना, प्रकृष्ट कहना। और कोई मैंने संस्कृत के बड़े से बड़े उदाहरण को देखा है, जानवीर के बच्चे जब जान बोलते हैं तो पूरे समाज में हंसी उड़ा जाती है कि कहाँ से जान होता है, ये जान ही है, ज्ञान नहीं है, गौ में जब लगाएंगे तो ज्ञान होगा, और सबको मालूम है कि जब में यह लगाया जाता है तो उसका उच्चारण जाए, तो हमारा हर उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और हमारा प्रस्तुतिकरण का जो मार्ग होना चाहिए दूसरे के कल्याण के लिए होना चाहिए, इसमें राग द्वेष से पावना न करें, बोलते समय अपने मस्तिष्क को शांत रखिए, कोई तनाव वाली बात हो गई है तो एक गिलास पानी पी करके मंच पर जाइए ताकि आपका मन शांत रहे, क्योंकि आपके मुख से कोई तेजना वाली बात निकल गई, झगड़े वाली बात निकल गई तो श्रोता आपस में लड़ झगड़ करेंगे और समाज को घटाने का दोष आप, आप संसार में शांति की वर्षा कराने के लिए जा रहे हैं।
धार्मिक विवादों को, जैसे आप देखिए आजकल क्या हो रहा है, जो भी कल्चर होते हैं, जिसके मन में जो होता है मंच पर कटु शब्दों की घोषणा करता है, वो सोचता है कि मेरे कटु शब्दों से सब लोग मेरी बात मान लेंगे, सभी सहमत हो जाएंगे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। हम शालीनता के भाव में अपने विचारों को व्यक्त करें कि वाणी का वास्तविक सिद्धांत क्या है। कड़वाहट फैलाएंगे तो क्या होगा, केवल मनोमाल्य बढ़ेगा, घृणा बढ़ेगी, वैर विरोध बढ़ेगा और इससे समाज को कुछ बढ़ा नहीं होगा। लेकिन जो सामाजिक धार्मिक विसंगतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए आपको शास्त्रार्थ करने का अधिकार है। शालीनता से कोई व्यक्ति गलत बोल रहा है तो अकेले में जाकर उसे मिलिए कि भाई मंच पर आप ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग ना कीजिए, किसी के मन में कोई संशय है तो बोलिए, क्योंकि अब केवल 5 मिनट है, उधर की कक्षा भी आते हैं, दूसरी कक्षा सुन लीजिए। किसी वक्ता को कोई परेशानी है बोलते समय खुलकर तो बोलिए। इतने शुद्ध शब्द जैसे हिंदी के हमारी लैंग्वेज में नहीं आते, थोड़ा सा इंग्लिश का वर्ड आ जाता है, जैसे हम लोग जैसे आम भाषा में हिंदी नहीं बोल पाते, थोड़े से इंग्लिश वर्ड बीच में आ ही जाते हैं। उसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उतना तो चल रहा है, मतलब उस ये कोई काशी में प्रवचन नहीं हो रहा है, सबको मालूम होता है कि हिंदी का अर्थ होता है सभी भाषाएं जो सुन ली। हाँ, एक चीज जो समस्या आती है नए वक्ता के बोलने में, वो घबरा जाता है कि इतने लोग मुझे देख रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि किसी की आंख की तरफ मत देखिए। जब किसी की आंख की तरफ देखेंगे तो आप तुरंत सोचेंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आप सोचिए कि बस पत्थर की मूर्ति आए, इनकी आँख आई नहीं, तो आप बेधड़क होकर के बोलते जाएंगे। जरा सा घबराए, किसी के चेहरे की तरफ गौर से देखें। यदि 10,000 की भीड़ हो तो पैर कांपने लगे। मैंने अच्छे अच्छे विद्वानों को देखा है पैर कांपते हुए, जो ऐसे तो चिल्लाकर बोलेंगे लेकिन जब माइक पकड़ना होता है तो कांपने लगते हैं, क्योंकि वो सबके चेहरे की तरफ देखकर सोचने लगते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, गलत नहीं कर दिया। तो इसी घबराहट में जो याद रहता है वो भी भूल जाता है। आप सबके सिर के बालों की तरफ देखिए, इधर आंख की तरफ देखिए, बस सरल काम आपके लिए। शेर जब सामने होता है तो क्या करना चाहिए, जब तक आप भी उसकी आंख में देखते रहेंगे वो डर कर जरा आपकी दृष्टि आंख से हटे तो, लेकिन वक्ता को आंख की तरफ नहीं देखना। जो प्रोफेसर वक्ता है वो आंख की तरफ देखते हैं कि उनके बोलने का उस पर प्रभाव पड़े। आप अपनी आंखों को सम रखिए, बस समझिए कि लोग बैठे हैं, कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, आपको देखना है। जो राजी आपसे करवाते जा रहे हैं आप उनके प्रतिनिधि बनकर कहते जाइए, सबके कल्याण की भावना से आगे की चिंता छोड़ दीजिए। आप विश्वास सफलता के पूछे, आपका विश्वास ही डगमगा जाएगा तो आप अच्छा नहीं कर सकते। देखिए, यदि आप 15 सत्र करते हैं, पहली बात यह है कि जो वक्ता होते हैं वो गाने का अभ्यास नहीं होता, और जो गायक होते हैं वो अच्छे वक्ता नहीं होते, क्योंकि बोलने की ट्यूनिंग अलग है और गाने की ट्यूनिंग अलग है। जो 15 सत्र बोले हैं, प्रथम लागू बोले हैं, तो बेसुरा अधिकतर होता है और सुनने से मन खराब होगा। या तो आपको संगीत आता हो, आप सुर में गा सकते हैं, लंबा समय आपको आधे घंटे का समय मिला है तब तो गाएंगे, नहीं आता है तो आप बेसुरा बिल्कुल मत गाइए। आप राज्य को प्रणाम कर लीजिए, अपने हृदय में इंद्र स्वरूप का ध्यान कर लीजिए, स्वरूप का ध्यान कर लीजिए और बोलना प्रारंभ कर लीजिए। मंच मित्र ने पहले जयकारा लगवा दिया होता है, अब आपको जो जोर से सबको मत कहिए कि इधर से आवाज़ नहीं आई, इधर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, ये सब 14वीं सदी की बातें हैं, आज के युग में ये सब नहीं चलेगा। इसलिए राज्य का आप सीधे ध्यान कर लीजिए, सीधे गुम्बटी पहुँच जाइए, युगल स्वरूप का भाव ले लीजिए कि हमारे दिल में युगल स्वरूप बैठे हैं, सबको नारायण बैठे हैं, और बस बोलना शुरू कर दीजिए। समाज को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो नया नया वक्ता होता है उसके मन में भय समाया रहता है कि बंदो सदगुरु नहीं बोलूंगा तो शायद हमसे बढ़िया चर्चा नहीं हो पाएगी। आप दूसरों को क्यों दिखा रहे हैं, आपने अपने दिल में राज्य का भाव ले लिया। यदि कहना भी है
तो बढ़िया स्वर में होगी। ये मेरे साथ भी बात होती है, मैं भी जब नया नया था सब लोग बोलते थे, मुझे भी बोलना पड़ता था, लेकिन जब मैंने सोचा कि जब मैं बढ़िया से नहीं गा सकता तो मैंने छोड़ दिया। मैं कभी भी बड़े से जो नहीं गाता, दूसरों से गवा देता हूँ, कोई गाने वो तो मैंने उनको भी गुना कर देता है, क्योंकि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, चारों तरफ जा रही है, आप बेसुरा बेताब गाएंगे बड़े से। अब कई सुनने साथ होते हैं जिनकी आवाज़ फटी होती है, लेकिन उनको लगता है कि गाना जरूरी है, गाना जरूरी नहीं होता। आपने मंगलाचरण कर लिया, राज जी को दिल में याद कर लिया, ध्यान कर लिया, तो आप बढ़िया से गा सकते हो तो गाइए, नहीं तो गा सकते।